सारे नंबर को एक और अपडेट जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि 22 नवंबर इस बार जो है जेईई मेंस का फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। काफी सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि आपका डेट जो है ये बढ़ाया जाएगा जैसे हर साल बढ़ाया जाता है, पर इस बार नहीं बढ़ाया जाएगा। साफ साफ उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि 22 नवंबर आपका लास्ट डेट है, 26 नवंबर 27 नवंबर को करेक्शन विंडो ओपन होगा। उसमें क्या क्या चेंजमेंट आप कर सकते हैं, जिन बच्चों को ये चेंजमेंट करने हैं, जो गलतियां फॉर्म में आपने कर दी हैं, वो कैसे कर। तो बच्चों जेईई मेंस 2025 के जो भी एस्पिरेंट हैं उनको बहुत सारे चेंजमेंट इस बार देखने को मिल रहे हैं। इस बार कई सारे चेंजमेंट किए गए जब से फॉर्म आया हुआ है जेईई मेंस का, बहुत सारे चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। 5 नवंबर को जे एडवांस के 3 अटैम्प्ट किए गए थे, आईआईटी कानपुर इस बार एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। 5 नवंबर को प्रेस रिलीज जारी हुआ था, उसमें बताया गया था कि भाई इस बार जो है अब जो 2025 के जो बच्चे होंगे 2025 के जो बच्चे होंगे जो जेईई मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, इसके बाद के जो बच्चे होंगे उनको 3 मौके मिलेंगे जे एडवांस का एग्जाम देने के। जो बच्चे डबल ड्रॉपर थे उनके लिए खुशी की बात थी कि चलो हमें एक और मौका मिल जाएगा जे एडवांस का एग्जाम देने का। लेकिन 15 नवंबर को आईआईटी कानपुर की एक मीटिंग हुई, 18 नवंबर को एक प्रेस रिलीज और जारी किया गया, उसमें बताया गया कि अब जो है 3 मौके नहीं दिए जाएंगे, अब आपको 2 ही मौके मिलेंगे जे एडवांस को देने के जैसे पहले मिला करते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फॉर्म फिलिंग करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम ये था कि जो आधार कार्ड से आपका नाम मैच नहीं कर रहा था। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था उनके लिए आधार कार्ड का जो ऑथेंटिकेशन है वो हटा दिया गया है। अब आपका 10th की जो मार्कशीट है, आपका जो 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट से आप अपना नाम मैच करके भर सकते हैं। लेकिन अगर आधार कार्ड का आपका नाम मैच नहीं कर रहा है उसको अपने एग्जाम से पहले आप सही करवा लीजिए, करेक्ट करवा लीजिए। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी कि पुराना सर्टिफिकेट लगाएं या फिर कई सारे बच्चे सोच रहे थे कि नया बनवाएं। जिन बच्चों का नया नहीं बन पा रहा है वो पुराना लगा दें। जो बच्चे पुराना सर्टिफिकेट लगा चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास पुराना अभी पड़ा हुआ है वो अपना लगा सकते हैं। अगर बच्चों के पास पुराना नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए। नया सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको जो रिसिप्ट मिलेगी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका होगा उसको आप उसमें फिल कर दीजिए। लेकिन एग्जाम से पहले अपने सर्टिफिकेट को भी आप बनवा के एग्जाम सेंटर पर उसको भी आप लेके जाइएगा। इसके अलावा 18 नवंबर को एक और अपडेट जारी हुआ जिसमें बताया गया कि 22 नवंबर इस बार जो है जेईई मेंस का फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। काफी सारे बच्चे सोच रहे थे कि आपकी डेट कि आपका डेट जो है ये बढ़ाया जाएगा जैसे हर साल बढ़ाया जाता है, पर इस बार नहीं बढ़ाया जाएगा। साफ साफ उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि 22 नवंबर आपका लास्ट डेट है, 26 नवंबर 27 नवंबर को करेक्शन विंडो ओपन होगा। उसमें क्या क्या चेंजमेंट आप कर सकते हैं, जिन बच्चों को ये चेंजमेंट करने हैं, जो गलतियां फॉर्म में आपने कर दी हैं, वो कैसे करेंगे, क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, वो डिटेल में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं। देखिए 26 नवंबर 27 नवंबर को आपका ये विंडो ओपन होगा, 27 नवंबर को 11:50 तक आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, अपना जो भी गलतियां आपने की हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर आपका आता है कैंडिडेट क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको बताया कई सारे वीडियो में कि मोबाइल नंबर अपना ही डालें, ईमेल आईडी अपना ही डालें। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स का डाल देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ओटीपी होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जो आपके उस पर नंबर पर जाएंगे, ईमेल आईडी पर जाएंगे। तो ऐसे में पेरेंट्स अगर आपके पास नहीं उस समय अवेलेबल है तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ईमेल चेंज नहीं कर सकते हैं, एड्रेस आपने जो डाल दिया है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस जिससे कि आपका एग्जामिनेशन सिटी आपका जो है डिक्लेयर होगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपसे मांगा जाता है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फोटोग्राफ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और आप क्या चेंज यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन तीन में से कोई एक चीज़ आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। मतलब ये तीनों एक साथ आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इन तीन में से एक ऑप्शन आप इसमें आप चेंज कर सकते हैं, तो अपना नाम या फादर का नेम या फिर मदर नेम। इसके अलावा और क्या चेंज कर सकते हैं, देखिए 10th क्लास आपने जो डाला हुआ है, इक्विवेलेंट जो भी आपने लगाया हुआ है वो चेंज कर सकते हैं। 12th क्लास की डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। पैन कार्ड अगर बच्चों आपने लगाया हुआ है वहाँ पे उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसकी डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, जो आपने एग्जाम के सिटी सेलेक्ट किए हो इनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपना स्टेट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए राजस्थान परमानेंट एड्रेस में डाला हुआ है, दूसरा उसने डाला हुआ है मान लीजिए बिहार, तो इन्हीं दो स्टेट के आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपके शो कर रहा होगा वहाँ पे, लेकिन वो आप स्टेट चेंज नहीं कर पाएंगे। जो स्टेट आपने डाल दिया है मतलब परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में जो डाला हुआ है उसके सिटी आप चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। और क्या यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, देखिए 5th नंबर पर डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर अगर आपने गलत अपलोड कर दिए हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, और पेपर अगर किसी कोई बच्चे ने पहला पेपर भरा हुआ दूसरा भी अगर भरना चाहते हैं, पेपर में एड ऑन करना चाहते हैं, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके चेंजमेंट हैं जो बच्चे जेईई मेंस के फॉर्म में 26 तारीख को 27 तारीख को कर सकते हैं। एग्जाम की डेट अब नहीं बढ़ाई जाएगी, साफ साफ इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई 22 तारीख आपका लास्ट है, 2 दिन का मौका मिलेगा करेक्ट करने का। आधार कार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, पुराना है लगा दीजिए आप अपना फॉर्म भर दीजिए, और अगर नया बनवा रहे हैं तो रिसिप्ट आपको मिलेगी उसका नंबर आप उसमें अपना जो है अपडेट कर दीजिए और एग्जाम से पहले उसको फाइनल अपना बनवा लीजिएगा। इसके अलावा और बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 75 को लेकर बड़ा बच्चे सोच रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका अलग है और आपका एडमिशन क्राइटेरिया अलग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है जेईई मेंस के लिए, कि आपने जो बोर्ड की वहां पर लिस्ट दी हुई है उनमें से किसी भी एक बोर्ड में, चाहे आपने ओपन बोर्ड से किया हुआ, चाहे आपने सेंट्रल बोर्ड से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी बोर्ड से किया हुआ, किसी भी बोर्ड से आपने किया हुआ है, उनमें से किसी एक इक्विवेलेंट बोर्ड से आपने 12th किया हो। इसके अलावा
अलावा कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया कि 75% अगर आपका नहीं है ट्वेल्थ में तो आप जेईई मेंस का पेपर नहीं दे पाएंगे। जेईई मेंस का पेपर देने के लिए अगर आपका 50% भी तब भी आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे आपके जो है कॉलेजेस हैं जहां पे आप विदाउट 75% भी जा सकते हैं। आने वाले टाइम में जहां जहां 75 के बिना आप काउंसलिंग कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं जो 75 के बिना आपको मिल जाएंगे, मतलब ट्वेल्थ में 75 की जरूरत वहां पे नहीं पड़ती, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँगा। अब बात आती है एडमिशन क्राइटेरिया की, तो एडमिशन क्राइटेरिया में देखिए 75 मांगा जाता है किसके लिए, IIT के लिए, NIT के लिए, IIIT के लिए और GFTI के लिए। 121 कॉलेज आपके इंडिया में है जो कि जोसा काउंसलिंग से आपको मिलते हैं, वहाँ पे 75 आपको दिखाना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन अगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अगर एडवांस के एग्जाम की भी हम लोग बात करें तो एडवांस के एग्जाम में जाने के लिए आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो भी कट ऑफ बनाया जाएगा इस साल वो कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2.5 लाख बच्चों में अपनी बनाएंगे पोजीशन और आप जेईई एडवांस के पेपर को देने के लिए एलिजिबल है। वहाँ पे भी ये नहीं लिखा गया कि 75 अगर आपका बोर्ड में नहीं तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे। अगर आपका 75 नहीं है तो आप IIT नहीं ले पाएंगे। तो एडमिशन क्राइटेरिया अलग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, दोनों को मर्ज करके बच्चे परेशान हो रहे, परेशान ना होइए। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको विदाउट 75% भी मिल जाते हैं। तो अब तक लगभग 10.5 लाख से ऊपर बच्चा आपका जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई कर चुका है। 2 दिन का समय बचा हुआ है, अपना फॉर्म अप्लाई करिए। अगर पुराना सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है उससे अप्लाई कर दीजिए, नया बनवा रहे हैं रिसीप्ट का नंबर उसमें लगा दीजिए और जेईई मेंस का अपना पहला वाला फेज का एग्जाम दीजिए। आने वाले वीडियो में लगातार हम लोग बात कर रहे होंगे कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो 75 के बिना भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल है, जो भी छोटी बड़ी अपडेट है, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से, जैसा हमेशा करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जैसे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।